हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में दोस्तों कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को ऑन करोगे। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग में, दोस्तों जब कोई आपको कॉल करेगा दोस्तों आपके फ़ोन में कॉल पहले से अनाउंस हो जाती है किस नंबर से कॉल आ रही है और किस नाम से कॉल आ रही है। दोस्तों अगर आप ऑन करना चाहते हो या सेट करना चाहते हो अपने फ़ोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग, तो आप कैसे कर सकते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप अपने फ़ोन में क्या करना है, इसके सबसे पहले दोस्तों जो आपका ये जो डायल पैड है आप इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने का दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपनी रिसेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हो, यहाँ पर कॉल हिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पर आप नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो। नंबर वगैरह आप अपने फ़ोन में दोस्तों यहाँ पर सेव कर सकते हो अपने डिवाइस में। दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो कॉल हिस्ट्री और यहाँ पे अपनी मिस कॉल हिस्ट्री को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फिर दोस्तों सेटिंग में आएंगे तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आके दोस्तों अपने उन्हें ब्लॉक नंबर को अनब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक लिस्ट से नंबर बाहर निकाल सकते हो, ब्लॉक कॉल्स को अनब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक मैसेज को अनब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों और भी ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हो। क्विक रिस्पॉन्स को जब दोस्तों सिम कार्ड वगैरह इंटर कर लेते हो तो यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसको टैप करके इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर अपना कस्टम क्विक रिस्पॉन्स आप बना भी सकते हो यहाँ पर लिख के, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। दोस्तों इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे अनाउंस कॉलर आईडी, यहाँ पे ये नेवर पे है तो इसको ऑलवेज पे क्लिक कर देना। दोस्तों आपके फ़ोन में सेट हो चुकी है अनाउंस कॉलर आईडी सेटिंग। दोस्तों कॉलर नेम और नंबर विल भी यहाँ पे देखो आपको दिख जाता है, दिख रखा है यहाँ पे द कॉलर नेम एंड नंबर विल भी रीड आउट फॉर इनकमिंग कॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग। मानो दोस्तों यहाँ पे कोई नंबर आपके फ़ोन में सेव है किसी के नाम से, ठीक है, दोस्तों आपके फ़ोन में कॉल पहले अनाउंस हो जाएगी किस नाम से आ रही है और किस नंबर से आ रही है आपके फ़ोन में। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, सुनूंगा इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम जो भी नंबर होगा उस तरीके से। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आपके फ़ोन में पहले से कॉल अनाउंस हो रही है, पहले ही कॉल बज जाती है, तो आपको यहाँ पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में आना है, और दोस्तों यहाँ पर आके आप इसको टैप करके नेवर वाले पे क्लिक कर देना। अब जो आपके फ़ोन में जो कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग है ये हो चुकी है ऑफ़। अब आपके फ़ोन में जो कॉल आएगी वो अनाउंस नहीं होएगी। दोस्तों इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को। आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, अनाउंस कॉलर आईडी को अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो, नहीं करना चाहते नेवर पे क्लिक करके ऑफ़ कर देना। दोस्तों आप कोई डाउट हो फ़ोन की कॉल सेटिंग में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बता दें जो मेन सेटिंग है, ब्लॉक नंबर है, क्विक रिस्पॉन्स है, कॉल अनाउंसमेंट सेटिंग है, यहाँ पर आप साउंड एंड वाइब्रेशन को भी यूज़ कर सकते हो सेटिंग को। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।